इंडिया टीवी आपकी आवाज। वो मठ के प्रमुख 1930 में बने और जीवन के अंतिम सांस तक मठ को अनेक लोगों के जीवन का उद्धार का केंद्र बनाए। पक्षपात रहित संभाव के विचार को उन्होंने आगे लिया और बसवमन्ना के सभी वचनों को जमीन पर उतारने का निष्ठापूर्वक प्रयास किया। उन्होंने त्रिविधा दशोह के सिद्धांत को जमीन पर उतारा और सालों तक कई लोग इस सिद्धांत को आगे ले जाए, इस प्रकार का एक कर्म का संदेश दिया। संदेश कई प्रकार थे, कोई अपने वचनों से देता है, कोई अपने ज्ञान से देता है, मगर शिव कुमार स्वामी जी ने अपने कर्म से संदेश दिया जो युगों युगों तक आगे याद रहने वाला है। अन्न, अक्षर और आश्रय, ये तीनों को इन्होंने चरितार्थ करने का काम किया। यहां पर मठ के अंदर जो भी आता है वो कभी भूखा वापिस नहीं जाता है। गरीब से गरीब बच्चे को यहां पर शिक्षा की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। मैं अभी पूछ रहा था सिद्धलिंगा स्वामी जी को कि कितने बच्चे हैं, 10,000 से ज्यादा समाज के हर वर्ग के गरीब बच्चे अपने जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करने का काम ये मठ के तत्वाधान में कर रहे हैं। अन्न, अक्षर और आश्रय, विद्या का दान करना और यहां रहने की सुविधा भी करना, ये सिद्धांत को मोदी जी ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कर्तृत्व में जमीन पर उतारा। कोरोना काल में लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नई शिक्षा नीति के तहत देश के अनेक विविध भाषाओं को एक लंबा पुनर्जीवन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से मोदी जी अब बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाई मिले, अपनी भाषा में टेक्निकल एजुकेशन मिले, अपनी भाषा में मेडिकल एजुकेशन मिले, इसलिए अनेक विविध प्रयास लेकर आए हैं। और जहां तक आश्रय का सवाल है, लगभग 3 करोड़ लोगों को, 3 करोड़ लोग ऐसे जिनको रहने का घर ही नहीं था, सिर्फ 7 साल के कालखंड में मोदी जी ने 3 करोड़ लोगों को अपना रहने का घर देने का भी काम किया। ये जो संदेश था शिव कुमार स्वामी जी का, अन्न लगभग 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज दिया, खाना दिया, अक्सर हर बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार दिया, और आश्रय 3 करोड़ गरीबों को रहने का घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। डॉक्टर शिव कुमार जी के तीनों आदर्शों को मोदी जी ने भी जमीन पर उतारा है। डॉक्टर शिव कुमार स्वामी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया उसको भी समभाव के लिए किया। हर समाज के, हर जाति के बच्चे यहां पर पढ़े और आगे बढ़े। मुझे बड़ा आनंद है कि शिव कुमार स्वामी जी के बाद भी सिद्धगंगा मठ उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, और आज मैं उनके समाधि स्थान पर जाकर नतमस्तक होकर, करबद्ध होकर वो महान आत्मा से मेरे और देश के लिए, हम सभी के लिए आशीर्वाद की मांग की है। और मुझे भरोसा है कि वो चैतन्य आत्मा पूरी सृष्टि के आत्माओं के कल्याण के लिए जहां पर भी होगा वहां प्रवृत्त होगा। मित्रों, शिव कुमार स्वामी के लिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। कुछ लोग उनको साक्षात भगवान कहते हैं, कुछ लोग बसवन्ना का अवतार कहते हैं और कुछ लोग शिव योगी भी कहते हैं।
परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि वो क्या थे, वो मीमांसा में पड़े बगैर 88 साल तक मठ के पीठाधीश नाते उन्होंने जो कर्म का एक संदेश दिया है, वो कर्म के संदेश पर हम सब लोग आगे चले और पूरे समाज में सुख समृद्धि शिक्षा और पोषण का प्रचार करें, यही मेरी अभ्यर्थना है। मैं विजेंद्र का और उनकी कमेटी का भी बहुत आभार मानना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहां निमंत्रित किया। आज इस कार्यक्रम में आप सबके साथ शिव कुमार जी को श्रद्धांजलि देने का मौका दिया और मैं दोनों स्वामी जी के श्री चरणों में भी प्रणाम करकर आशीर्वाद की उनसे अपेक्षा करता हूं कि जो सिद्ध गंगा मठ का काम है, सुत्तूर मठ का काम है, इसी प्रकार से चलता रहे और समाज के उत्कर्ष के अंदर इसका योगदान इसी प्रकार से चलता रहे। अंत में आप सभी को अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।